क्या आप मुझे देख सकते हैं? जो भी हैं आप व्यूअर्स देख सकते हैं, एक बार मैं तो चेक कर देता हूँ ये चल रहा है या नहीं। मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे देख सकते हैं? जो भी हैं आप क्या आप मुझे देख सकते हैं? जो भी हैं आप व्यूअर अब आ सकते हैं। तो अभी भी मेरे नेट में कुछ दिक्कत आ रही है व्यूअर। तो आज हम अपने HTML फ्रेज टैग के बारे में बात करेंगे। ये मेरा वापस एक वेब डिज़ाइनिंग हिंदी में एक लेसन है, ठीक है? तो एक मिनट में वापस चेक कर देता हूँ ये चल। मैं 45 तक शुरू करूँगा, 3:45 तक। अभी मेरे नेट में कुछ दिक्कत आ रही है इसलिए मुझे उसे चेक करना पड़ेगा। मेरी आवाज़ आ रही है? शायद मेरा जो लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर है वो बंद हो गया। क्या आप मुझे देख सकते हैं? जो भी हैं आप क्या आप मुझे देख सकते हैं? जो भी हैं आप अब आ सकते हैं। क्या मैं देख रहा हूँ? कोई दिक्कत आ रही है मेरे इसमें, मुझे अभी देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मैं अभी जब तक देखता हूँ इसे मैं अभी ढूंढता हूँ क्या दिक्कत है, ठीक है? फिर अभी मैं लाइव आ जाऊँगा। तो अभी आप मुझे देख कुछ क्या दिक्कत आ रही है इसमें, कोई तो दिक्कत ही है, कोई तो दिक्कत ही है। तक शुरू करूंगा 3:45 तक। अभी मेरे
अभी मैं शुरू करूँगा, अभी मैं एक और बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा वेरीफाई कर लेता हूँ। मेरी जो पुरानी लाइव वाली वीडियो थी उसका मैं लिंक जब तक भेज देता हूँ अपने जो भी व्यूअर्स थे पहले जिन्हें मैंने भेजा था, तो मैं उन्हें लिंक अभी वापस भेज दूँगा जो नया वाला है। ठीक है, हम अभी 5-7 मिनट में अभी शुरू कर, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ गई है इसलिए। ठीक है, ये बैकग्राउंड नॉइस सिस्टम से आ रही है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। मैं जब तक अपनी सारी नेटवर्क वगैरह की चीज़ चेक करता हूँ उसका कि आज मैं लाइव स्ट्रीम कर पाऊँगा या नहीं। तो मैं उन्हें लिंक अभी वापस भेज दूँगा जो नया वाला है। ठीक है, हम अभी 5-7 मिनट में अभी शुरू कर, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ गई है इसलिए। ठीक है, ये बैकग्राउंड नॉइस सिस्टम से आ रही है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। मैं जब तक अपनी सारी नेटवर्क वगैरह भी चेक करता हूँ तो कि आज मैं लाइव स्ट्रीम कर पाऊँगा या नहीं। शुरू करने वाला हूँ, पर अगर आप किसी को जानते हैं जैसे वेब डिज़ाइनिंग जैसा कोई कोर्स सीखना है तो वो सीख सकते हैं। अभी मैं अपनी आवाज़ बढ़ा कर अपने जो देख सकते नहीं, मेरी आवाज़ इतनी आ रही है, मैं थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा लेसन है HTML फ्रेज टैग्स। तो आज मैं आपको HTML फ्रेज टैग्स सिखाऊंगा, ये हमारा 8th लेसन है वेब डिज़ाइनिंग का। HTML फ्रेज टैग, HTML फ्रेज टैग बड़े स्पेशल पर्पस के टैग होते हैं जो स्ट्रक्चरल मीनिंग बताते हैं ब्लॉक का। इनसे हम स्ट्रक्चरल मीनिंग डिफाइन कर सकते हैं अपने ब्लॉक टॉक टेक्स्ट का ब्लॉक या फिर सेमेंटिक टेक्स्ट का ब्लॉक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे कुछ फ्रेज टैग्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा, तो आप इन सब को देख सकते हैं। इनमें से हमने कुछ HTML फॉर्मेटिंग की वीडियो जो पिछली वीडियो थी उसमें भी हमने देख चुके हैं ये वाले टैग्स। तो पहला टैग आता है एब्रिविएशन टैग, ABBR टैग। दूसरा आता है मार्क टैग, ये हमने HTML फॉर्मेटिंग में सीख चुका था, ये मार्क लिखते हैं हमें से। फिर अगला हमारा स्ट्रॉन्ग टैग, वो भी HTML फॉर्मेटिंग में आ चुका है, उसके लिए हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग। अगला है एम्फसाइज टैग, उसके लिए हम लिखते हैं EM। अगला है डेफिनेशन टैग, उसके लिए हम लिखते हैं DFN। अगला है कोटिंग टैग, जिसके लिए हम लिखते हैं ब्लॉक कोट। उसके अगला है शॉर्ट कोट टैग, जिसके लिए हम लिखते हैं क्यू। उसके बाद हमारा कोट टैग, उसके बाद हमारा कीबोर्ड टैग, और उसके बाद हमारा एड्रेस टैग। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, और पहले एब्रीवेशन टैग पर आते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट भी कर दें, और इस वीडियो को ढंग से देखें
अगर आपको HTML समझनी है तो एक बार मैं वापस अपने आता हूँ और फिर मैं देख लेता हूँ कि ये सही काम कर रहा है या नहीं, और मैं थोड़ी चीज़ें भी बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम और शुरू करते हैं अपना टेक्स्ट एब्रिविएशन टैग। इसमें है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि एब्रिविएशन टैग किस काम आता है। ये जो टैग है ये टेक्स्ट को एब्रीवेट करने में काम आता है। एब्रीवेट मतलब आप कह सकते हैं शॉर्ट करने में काम आता है। तो अगर हमें टेक्स्ट को एब्रीवेट करना है, छोटा करना है, शॉर्ट करना है, तो हम ABBR टैग के अंदर जो भी लिखते हैं वो हमारा एब्रीवेट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम एक अपना एग्जाम्पल। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल, मैंने एक पैराग्राफ लगाया है उसके अंदर मैंने एन लिखा है, एन के बाद मैंने एब्रीवेशन टैग लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एब्रीवेशन टैग में क्या करते हैं, पहले ABBR लिखते हैं, फिर स्पेस छोड़कर लिखते हैं टाइटल, टाइटल इक्वल टू, फिर हम लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स। तो अब हम आप सोच रहे होंगे हम ये टाइटल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स क्यों लिखते हैं और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्या आता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि हम ये क्यों लिखते हैं। ये हम लिखते हैं जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स पर कि कोई छोटा टेक्स्ट है जैसे कि ABBR, और उस पर अगर हम होवर करेंगे अपना माउस तो एब्रीवेट लिखा आ जाएगा, या HTML है तो अगर उसके ऊपर हम होवर करेंगे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा आ जाएगा। ये सारा हमारे ABBR टैग की मदद से आता है। तो हम टाइटल के अंदर वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हमें, अगर कोई टेक्स्ट है उसके ऊपर यूज़र होवर करे तो क्या है, क्या टेक्स्ट लिखा है, क्या टेक्स्ट लिखा आना चाहिए, ये होता है हमारा टाइटल टैग के अंदर क्या आता है। और टाइटल टैग हमारा वो टेक्स्ट दिखाने के लिए होता है जो होवर करने पर आएगा। ठीक है, फिर मैंने इसे स्टार्टिंग ABBR टैग को क्लोज किया, फिर मैंने लिखा HTML, फिर मैंने एब्रीवेशन टैग को पूरा क्लोज कर दिया /ABBR लिखकर। ठीक है, फिर मैंने लिखा लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट पेजेस, और पैराग्राफ अपना बंद कर दिया। अब चलिए इसे लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो मैं आ जाऊंगा अपने VS Code पर। अब मैं एक नए फाइल बनाऊंगा, ये जो फाइल थी वो हमारी पिछली वीडियो HTML फॉर्मेटिंग पर थी। अब मैं एक नई फाइल बनाऊंगा action7.html, इसके अंदर फिर मैं लगाऊंगा अपनी बॉयलेट प्लेट। ठीक है, मैं ये टाइटल चेंज करूंगा HTML फ्रेज टैग्स। अब मैं लगाऊंगा एक H1, H1 में मैं लिखूंगा HTML फ्रेज टैग्स। मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैं लगाऊंगा एक H2 के अंदर मैं लिखूंगा एक number1 dot। फिर अब मैंने number1 dot लिखा, इसके अंदर मैं क्या करूँगा एब्रीवेशन टैग, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा एक पैराग्राफ लिखूँगा, पर पैराग्राफ को के अंदर कुछ लिखने से पहले मैं लाइफ सेवर अपना ऑन करूँगा। अब ये मेरा लाइफ सेवर ऑन हो जाएगा और मुझे गूगल क्रोम पर लैंड कर देगा एक नया पेज बनाकर। तो ये रहा हमारा नया पेज, हमारा HTML फ्रेज टैग्स और एब्रीवेशन टैग और हमारा टाइटल चेंज हो गया। अब मैं देखता हूँ कि कोई चार्ट्स में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा एब्रीवेशन टैग कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं अपने VS Code पर आ गया। अब मैं इस पर लिखूँगा जैसे ट्यूटोरियल आई विल टीच यू अबाउट, अब मैं एक ABBR टैग लगा दिया मैंने, टाइटल ये खुद लिखा आ जाएगा अगर आप सीधा ABBR टैग लगाएंगे तो। अगर आप जैसे कि ऐसे करेंगे, आ गया ABBR, नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट, ऐसे किया ABBR, अगर आप ऐसे क्लोज करेंगे तो सिर्फ पीछे से भी क्लोज हो जाएगा पर टाइटल लिखा नहीं आएगा। तो आप इसे लाने के लिए क्या कर सकते हैं, ABBR लिख सकते हैं। आपने ABBR लिख दिया, फिर ये एंटर दबाते ही ये वाला आ जाएगा। अब इसके अंदर हम टाइटल में लिखूंगा मैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ लिखूंगा HTML, अब मैं ampersand लगाऊंगा, फिर लिखूंगा एक
एक मिनट, यहाँ से स्पेस हटाकर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ए बी बी आर टैग वापस लगाऊंगा, मतलब एब्रिविएशन टैग वापस लगाऊंगा। अब चलो मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आप तो अब मैं क्या करूँगा, या जाऊँगा सर्च में, सर्च नीज एक सेटिंग्स में कमांड पैलेट, सेटिंग्स में जाकर आपको कमांड पैलेट खोलना है और फिर टॉगल वर्ड रैप करना है। अगर आप टॉगल वर्ड रैप करेंगे तो जो भी टेक्स्ट इस इतने तक के बाहर निकल रहा होगा वो सारा अगली लाइन में आ जाएगा। अब मैं इसके टाइटल में लिखूंगा कैस्केडिंग चाइल्ड शीट्स, ठीक है। अब मैं ये लिख चुका हूँ, अब इसके अंदर मैं सी एस एस लिखूंगा। अब इसके बाद मैं एक और एम परसेंट लगाऊंगा, अब मैं लगाऊंगा एक और ए बी बी आर टैग, इसके अंदर मैं लिखूंगा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब जे एफ एस और मैं फुल स्टॉप लगा दूंगा, अब सेव करूँगा। अब मैं जाऊंगा अपने गूगल क्रोम पर, अब देख सकते हैं हमारा एक ये बनकर आ चुका है, पर इसके नीचे जो लाइन है ये थोड़ी टूटी फूटी सी है, तो आप इन्हें जैसे इग्नोर मार सकते हैं। ये हम सी एस एस से भी हटा सकते हैं इनके नीचे से लाइन। तो अगर मुझे जाना है एच टी एम एल का मतलब क्या होता है, ऐसे ही सिर्फ एच टी एम एल के ऊपर होवर किए, तो एच टी एम एल के ऊपर मैंने होवर किया, आ गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे मैंने सी एस एस के ऊपर किया कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ऐसे मैंने जे एस के ऊपर किया तो जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आप वो देख सक, आप मुझे वो चैट में बता सकते हैं, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको बताने के भी कि यहाँ पर क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप अभी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अभी समझा दूँगा कि पूरा कॉन्सेप्ट में आज हम क्या सीखेंगे। अगर आपको वापस कुछ पूछना है तो वो भी मैं वापस समझा दूंगा, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा मार्क टैग के बारे में। मुझे लगता है आप एब्रिविएशन टैग सीख चुके होंगे, नहीं सीखे तो या तो अगर आप ये वीडियो बाद में देखेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं अपना क्वेश्चन, और अगर आप अभी देख रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में इंट्रोड्यूस करूँगा, तो वो मैंने बनाया अपने इसके लिए, क्या बोलते हैं, तो ये हमारी टेलीग्राम ग्रुप खुलती थी, हमने जैसे ये लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारी अब टेलीग्राम ग्रुप है, ये मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जैसे आप देख सकते हैं, तो आप इस लिंक से अपना देख सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप के बारे में और ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जैसे लिंक आ गया यहाँ ओपन डेस्कटॉप में आया था, अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है तो गूगल टेलीग्राम या ओपन टेलीग्राम ऐप लिखा आएगा। तो ये मेरी ग्रुप है कोड विदक्षक के नाम से, हम इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक मिनट, मैं इसके अंदर सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये क्या कर रखा है, ये रखा। तो ये मेरी ग्रुप है, आप देख सकते हैं, मैं मैनेज ग्रुप में गया, एक मिनट, मैंने मैसेज इसका लगा दिया, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। तो ये थी हमारी टेलीग्राम ग्रुप। अब मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताता हूँ, तो व्हाट्सएप में खोलूँगा। तो जैसे हम मेरी चैट भी आपको देख सकती हैं, तो आप उन्हें इग्नोर मार देना, ठीक है। पहले मैं जाकर देखता हूँ टेलीग्राम में कुछ तो नहीं रहा। अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप अभी डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, और फिर आप ये देख सकते हैं। तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है, कोड रक्षा तेरी। तो ये हमारी टेलीग्राम ग्रुप है, आप जैसे देख रहे हैं, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा। अब ये लिंक हमारा लोड होगा, कॉपी कर लिया मैंने लिंक, अब मैं इसे अपने चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ डाल, तो मैंने एक और बार लिंक डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, दो बार डाल दिया मैंने। अब मैं टेलीग्राम का भी लिंक डाल दूँगा, ज्वाइन टेलीग्राम। अगर मैं आपको बताऊं तो ये वीडियो मेरी कुछ जो मैं अभी बोल रहा हूँ उससे तो पहले ही चल रही है, तो इसलिए आपको कुछ थोड़ी दिक्कत आ रही होगी कि जो चैट पहले आ रही है और ये बाद में आ रहा है, तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं। और अगर मेरे कैमरे में कोई दिक्कत है या कुछ और है तो मेरे नेटवर्क के साथ है, तो हम थोड़े एडजस्ट कर लेते हैं आज। तो अब चलते हैं अपनी
जो मेन पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे उस पर। तो अब हम आ गए हैं मार्क टैग पर। तो अब मैं आपको बताता हूँ मार्क टैग से हमारा HTML में क्या होता है। जो भी अगर हम कंटेंट मार्क टैग के अंदर डालते हैं तो वो येलो मार्क, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो येलो कलर में आ जाता है, हाईलाइट हो जाता है। तो जो मार्क टैग है ये टेक्स्ट को हाईलाइट करने में यूज़ होता है। तो जैसे देख सकते हैं पैराग्राफ, उसके अंदर डिस टैग, तो मैंने एक मार्क टैग लगाया, उसके अंदर लिख रखा है हाईलाइट, फिर मैंने बंद किया और फिर लिख दिया ग्रो टेक्स्ट। तो भी मार्क टैग से क्या होगा, हमारा ये जो मार्क है, ये हमारा हाईलाइट है, जो ये बैकग्राउंड इसका येलो हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा इसका बैकग्राउंड। तो चलते हैं अपने VS कोड पर और इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। VS कोड पर अपने बीटा टैग लगाया मैंने, मैं लगाऊंगा एक H2, इसके अंदर मैं लिखूंगा 2 मार्क टैग, ठीक है। इसके अंदर मैं डालूंगा पैराग्राफ, इसके अंदर मैं डालूंगा देश मार्क टैग में मेरे को दिक्कत आ रही है शायद मार्क, एक मिनट, मार्क यूज होता है वैसे। एक बार मैं अपने इस पर वापस आता हूँ, इसे सेव करता हूँ, मैं खुद ही बना लेता हूँ ना मार्क टैग। क्या देखो मार्क स्लैश किया, अब मार्क टैग मैंने बंद कर दिया, मैं लिख दूंगा यहाँ पर मार्क और यहाँ लिख दूंगा टैग, सेव किया मैंने। तो आप देख सकते हैं येलो हाईलाइट हो गया, मार्क हो गया ये। तो ये होता है हमारा मार्क टैग का, ऐसे हम यूज़ करते हैं मार्क टैग अपना। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका मार्क टैग का कलर येलो ना आए, कुछ और है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरा ये, मैं ऐसे बंद कर देता हूँ, हाँ। तो अब ये पूरा विजिबल होगा, तो मार्क टैग आ गया। तो अब मैं ऐसे डुप्लीकेट कर दूंगा, एग्जाम्पल ऑफ कलर कस्टम, कस्टम कलर यहाँ से कर देता हूँ, सेव किया। तो यहाँ पर एक आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ एक स्पेस लगा दूँगा सेव कर। अब मैं इसमें क्या करूँगा, एक लगाऊँगा कलर की थोड़ी CSS। तो अगर आपको CSS नहीं लगाना चाहते तो ये सिर्फ येलो आएगा, वरना वीडियो CSS इंट्रोडक्शन पर। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका कलर चेंज कैसे करेंगे बैकग्राउंड। तो या तो आप इससे तो काम नहीं बनेगा, स्टाइल टैग लगा दें आप CSS का, इससे क्या होगा आप CSS इनलाइन कर पाएंगे। तीन टाइप की CSS होती हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल। तो आप उनका काम इससे कर पाएंगे, ठीक है। अब स्टाइल में मैं क्या करूँगा, जाकर लिख दूँगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब तीन तरीके होते हैं बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करने के, या तो टेक्स्ट का कलर लिख दो अगर मैं चाहूँ, और सेव किया, ऑरेंज कलर हो गया इसका, ठीक है। अब एक और तरीका हमारे पास, अब वो है, ये लिख देता हूँ नेम, सेव किया। अब मैं क्या कर दूंगा, कस्टम कलर हेक्साडेसिमल आ गया। अब हेक्साडेसिमल में हम कैसे करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। हेक्साडेसिमल जैसे वो होता है जिसमें सारे अलग अलग नंबर्स भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं। तो अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, मैंने अभी ये देखो, तो अभी हमारा ये होता है एक FF 4x0 लगाते हैं तब, तो हमारा कलर रेड होता है, इसका कलर कोड होता है ये, बहुत सारे ऐसे। तो कोड मैंने देखी थी HTML, चलो कोड जाऊँगा और मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये जो वेबसाइट है, इससे आप कलर कोड निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा कलर कोड लोड होगा, मैं चार्ट देखता हूँ एक बार, अरे भाई वैसी चार्ट तो नहीं आ रही, मैं सारी लाइव चार्ट दिखाते देख लेते हैं, हाँ वैसी तो आ नहीं रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये आ जाऊँगा, अभी वेबसाइट हमारी लोड हो चुकी है, इसका लिंक मैं अपने उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे अगर मुझे ग्रीन चाहिए, ग्रीन के ऊपर यहाँ ले जाओ, ये वाला जैसे यहाँ जो कलर है वो, तो हेक्साडेसिमल यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये हेक्साडेसिमल यहाँ पर भी आ जाएगा। तो दो तरह के वैल्यू होते हैं HSL, RGB और हेक्स।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं आपको हेक्स दिखा रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए 2EFF00, 2EFF00, सेव किया मैंने, यहाँ गया तो ऐसा कलर हो गया, ठीक है। अगर आपको इस वेबसाइट पर ना जाकर ये करना है तो आप क्या करें, स्लैश पर होवर करें अपना माउस, हैश टैग पर मतलब, और फिर यहाँ पर ये कलर चेंज कर दें, ऐसे ये चेंज कर दें तो यहाँ से भी वही काम हो जाएगा। चेंज करूँगा, सेव करूँगा तो यहाँ ये चेंज हो चुका है। ये था हमारे का। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अब ये हमारा क्या तरीका है, RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू वाली, इसके लिए हम क्या करते हैं ये हटा देते हैं। सेव किया मैंने, येलो आ गया। मैं क्या करूँगा, RGB मैंने ये टाइप किया तो ये आ गया, ये वाला मैं इसे दबा दूँगा तो ये रेड की वैल्यू पूछेगा, ग्रीन की वैल्यू पूछेगा, ब्लू की वैल्यू पूछेगा। तो अगर आपको रेड की वैल्यू डालनी है कुछ, तो जैसे RGB में गए, अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अगर आपको डालनी है, जैसे मैंने सॉफ्ट कर दी, ये मैंने ऊपर टाइप कर दी, ये मैंने 10 कर दिया, सेव किया मैंने रैंडम ही ऐसा कुछ कर दिया, तो देख सकते हैं ऐसा ग्रीन कलर हो गया, ठीक है, क्योंकि ग्रीन ज़्यादा है इसलिए ऐसा कलर हो गया। अगर मैंने इसे भी 10 कर दिया तो आप देख सकते हैं ब्राउन हो गया। तो यहाँ इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ यहाँ पर कहीं का भी आया था यहाँ, तो ये लगाया। अगर आप इसके ऊपर होवर करते हैं तभी आपको दिख जाता है, ये जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हैं, यहाँ आपने ये कोई डिजिट टाइप की, जैसे मैंने इसी को टाइप किया तो इसका वही रहेगा। अगर मैंने इसके ऊपर अब होवर किया तो क्या करेगा, हमें RGB वाला वैल्यू वाला इनपुट दिखा देगा। अब इसके अंदर हम वही चेंज करेंगे, पर ये हेक्साडेसिमल में हमारा चेंज नहीं होगा, ये हमारा चेंज होगा RGB वैल्यू में ही। तो अब मैं इसका एक मिनट, अरे हाँ, तो मैं ये वाला कलर लगा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो RGB होती है रेड कितना क्वांटिटी चाहिए, ग्रीन कितना क्वांटिटी चाहिए और ब्लू कितना क्वांटिटी चाहिए, मैंने सेव कर कर लगा दिया। अब हमारे पास एक और तरीका है HSL। HSL की मुझे फुल फॉर्म तो अभी याद नहीं है, पर आप देख सकते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ HSL। मैं HSL सर्च मार रहा हूँ जब तक मैं चार्ट भी देख लेता हूँ एक बार। तो HSL ये कुछ और आ गया, ये रहा। अगर ये W3 स्कूल ने बता रखा है, ये यू सैटुरेशन और लाइटनेस, तो ये तीन अलग अलग वैल्यू होती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ हम लिख देते हैं HSL। HSL में लिखेंगे यू सैटुरेशन, जो भी है ये आ गया यहाँ पर। अब अगर ये होती है जैसे मतलब लाइटनेस कितनी चाहिए हमें, ऐसे देखो तो ये अलग अलग HSL यहाँ आ रहा है। तो जो हमारा सैटुरेशन, इसका भी मुझे अभी इतना मतलब नहीं पता, मुझे कुछ वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता, पर आप गूगल पर देख सकते सैटुरेशन। मैं यहाँ कलरफुल क्रोमा की, जैसे आपका कलर के शेड होते हैं तो कितना कलर ये लगाना है, जैसे अगर आप ये करेंगे सैटुरेशन मतलब लाइटनेस वाला, तो जैसे ये कलर फीके हो जाते हैं, यहाँ नीचे जितना नीचे जाते हैं आप इधर गए इधर गए, तो आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये चेंज होगी। अगर आप इधर जाएंगे, इधर लेफ्ट या राइट में, तो ये वाली सैटुरेशन चेंज होगी, और अगली क्या है हमारी लाइटनेस, तो ये उतना ही लाइट हो जाता है। तो लाइटनेस के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला 50% जो है, ये मतलब 50% अभी लाइटनेस है, अभी कम हो जा रही है, हो गई इतनी कम हो गई है, इतनी कम लाइट हो गया ये। अब इधर ले जाऊँगा मैं, 100% लाइट हो गया ये। तो होता है हमारा HSL वैल्यू। अगर मैं इसमें डाल दूँ 0, 1 और इधर डाल दूँ मैं 2, वैसे मैं भी नहीं जानता इसका क्या होगा ब्लैक, अब देख सकते हैं ब्लैक आ जाएगा इसमें, मेरे हिसाब से आया नहीं, करिए देखता हूँ एक बार खोज कर कि क्या दिक्कत हो रही है इसमें, निकाल अपनी दिक्कत। डालूंगा 10, ये डालूंगा 20, डालूंगा
बीच सा कलर आना चाहिए, ये पता नहीं मेरे इसमें काम नहीं कर रहा है, पर अगर मैं इस वेबसाइट पर एक बार जाकर देखूं तो देखता हूँ एक बार आएगा या नहीं। जीरो जीरो हंड्रेड, तो देख अब आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हमें परसेंटेज में ही लगाना पड़ेगा। अगर मैंने 10 किया चेंज नहीं हुआ, मैंने इसे 20 किया एक किया तब भी चेंज नहीं हुआ, और अगर अब मैं इसे 30 करूं ऐसा आएगा ब्राउन, आ गया ना ब्राउन। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपकी नंबर में आएगी, सेकंड वैल्यू आपकी परसेंट में आएगी, थर्ड वैल्यू। अब अगर आपको इसे बिना जाने करना है, अगर आप जानते नहीं हैं, उसका भी यही तरीका है। इसके ऊपर होवर करें और आप अपना कलर चूज कर लें, जो भी आपको करना है सेव किया तो कलर आ गया। और ये हमारे हो गए मार्टा, ठीक है। कोई कमेंट्स आ रही है? नहीं, पता नहीं अभी कम ही कमेंट्स आ रही है, ना कोई व्यूअर है। मेरे हिसाब से लोगों को ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, कोई नहीं, पर मैं जो सिखा रहा हूँ आप सीख लो। अब अगर आप बाद में देखोगे या अभी देखोगे तो आपकी जैसी मर्जी, जिस टाइम पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। मैं हाँ, अरे बिल्कुल रिसेंट पर ले जाता हूँ। अब अगले टैग पर आते हैं हम अपने और करते हैं स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। तो अगला टैग हमारा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट टैग, और फिर हम करेंगे इसके बारे में डिस्कस, इसे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। ये वैसे मैंने HTML फॉर्मेटिंग में बता दिया है, अब मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने में यूज़ होता है और उसे इम्पॉर्टेंट करने में, इम्पॉर्टेंट मतलब जैसे कि ब्राउज़र को पता चले कि ये बोल्ड भी है और ये पूरे जो भी हमारी वेब पेज है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, बोल्ड इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, ओके। इसका वही तरीका, पैराग्राफ टैग लगा उसके अंदर थोड़ा टेक्स्ट लिखो, या अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो पैराग्राफ टैग उसके अंदर स्ट्रॉन्ग टैग, इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो हमारा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। मैं अपने VS Code पर आ गया हूँ, ये आप यहाँ लाइव देख सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारा आउटपुट। H2 लगाया 3, और अब यहाँ लिखूँगा स्ट्रॉन्ग टैग लिखा, अब यहाँ लगाऊंगा बी, लिखूँगा डेज डेज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट एग्जाम्पल। ये नहीं है तो हो रहा है, not view in my videos live, मैं आज strong tag लगाऊंगा, strong लगाया, अब यहाँ लिख दूंगा live, और अब मैं question mark लगा दूंगा थोड़ा, जैसे मैं express कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा bold हो गया। आप मेरी वीडियो क्यों नहीं देखते हैं अभी live, क्यों? कोई तो आया, चेक करता हूँ कौन आया। पार्टिसिपेंट्स के लिए बता रहा है ये, तो कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ सुन लो। तो ये हमारी जैसी है, आप देख सकते हैं इसमें अभी यहाँ पर भी चल रही है वीडियो मेरी, और फिर मैं बता भी रहा हूँ दो जगह चल रही है मेरी वीडियो। इसे मैं ना पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर, थोड़ी दिक्कत कर रही है नेट में, तो क्या मैं चाहता हूँ और आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये मेरा सॉफ्टवेयर हाँ, तो अब ये मेरा स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट हो गया। अगले पर आते हैं एम्फोसाइज टेक्स्ट पर, होता है हमारा EM टैग। तो ये टेक्स्ट पर टैलिसाइज और एम्फोसाइज मतलब या टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट करने में ये भी यूज़ करवाता है हमारा, ये भी हमारे टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट करता है, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग टैग कर रहा था ऐसे ही हमारा एम्फोसाइज टैग करता है। तो उसका भी वही सिंटेक्स है, अगर मैं आपको यहाँ जाकर बताऊँ तो आपको शायद थोड़ा अच्छी तरह से समझ आए। तो मैं भी प्रेफर करता हूँ ज़्यादा PPT ना बनाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं लाइव ज़्यादा दिखाता हूँ, और PPT इतनी ज़्यादा नहीं एम्फोसाइज मैंने किया। और फिर अभी मैं एक बार एक करता हूँ, और फिर यहाँ की टैग कर लगाया मैंने। अभी मैं एक मिनट चेक करता हूँ, एक मिनट में अपनी वीडियो हटा रहा हूँ, एक मिनट में ओके।
तो आप मेरी वीडियो अगर देखना चाहे अभी भी तो देख सकते हैं। अभी वैसे तो ये गायब हो गई होगी पूरी, तो मैं वापस आ गया हूँ और अभी मैं अपनी वीडियो ऑन कर पहले अभी अपना यूट्यूब पर देख लेता हूँ, कुछ आता नहीं रहा मेरे हिसाब से, नहीं आ रहा होगा, देखता हूँ कौन कौन मुझे छोड़ कर चला गया, मेरे दोस्त मुझे छोड़ कर चले गए। वैसे अभी तो सब कोई किसी से नहीं मिल सकता, तो मैं वापस आकर अपनी वीडियो ऑन कर देता हूँ और वापस अपने वी एस कोड पर आ गया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ वापस अपना एक रखूँगा, पी लगा दिया मैंने, मैं यहाँ लिखूँगा माय व्यूअर्स हु प्रॉमिस्ड मी वुड सी ऑल ऑफ माय लेसन आर मैं कोई देखता हूँ क्या करना है इसका साइज मुझे, ठीक है मैं यहाँ लगा दूंगा इसे, मैं यहाँ से हटा दूंगा, अब यहाँ वापस लगा दूंगा, छोड़ो ऐसे देखो। अब भी हो गया हमारा टेक्स्ट एम्फसाइज, ठीक है मतलब इटालिक हो गया हमारा टेक्स्ट, तो ये हमारा एम्फसाइज टैग का अगले आते हैं डेफिनेशन टैग पर। तो जो डेफिनेशन टैग होता है वो क्या करता है, स्पेसिफिक कीवर्ड को कंटेंट में, जैसे जो HTML है वो डिफाइन कर रहे हैं HTML, जैसे आप देख सकते हैं हम पैराग्राफ टैग लगाया हमने, फिर उसके अंदर DFN टैग लगाया, उसके अंदर हमने HTML, फिर हमने उसे क्लोज किया, फिर लिखा इज अ मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका मतलब है कि हम डिफाइन कर रहे हैं, क्या चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, HTML डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं अपने इस पर, अब मैं यहाँ H2 लगाऊंगा इधर, यहाँ लिख दूंगा 5 और यहाँ लिख दूंगा मैं 1 डेफिनेशन टैग, अभी लगाऊंगा यहाँ वही DFN प्लेटफॉर्म, यानी मैं ये हटाकर मैं कर लेता हूँ गूगल इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेब सर्च इंजन मेड बाय, अब मैंने सर्च तो देख सकते हैं आप कि ये जो है गूगल इटैलिक साइज हो गया, अगर मैं थोड़ा ये लगाऊंगा अपना, थोड़ा मैं इसे इधर कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ये जो गूगल है ये इटैलिक हो गया, आप देख सकते हैं ये इटैलिक हो गया। तो ये हमारी सी एस एस लगाता है वैसे ब्राउज़र, हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, ऐसे ही हमारे इतने सारे चीज़ें लगती हैं इसमें, देखता हूँ कि कोई है भी या नहीं, पता नहीं क्यों मेरे व्यूअर्स छोड़ कर जा रहे हैं, मेरी वीडियो को देख ही नहीं रहे, कोई नहीं मैं एक बार देखता हूँ कि अभी भी सही हुआ या नहीं, एक बार ऑडियो भी इसका, तो आप मेरी वीडियो अगर देखना चाहे अभी भी तो कोई आवाज़ नहीं आ रही अभी, अच्छा अभी लोड हो रहा है, तो मुझे इन चीज़ों पर भी ध्यान, ये
मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? मैं ये बात करना कर लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत होगी शायद से, मेरी आवाज़ आ जानी चाहिए थी, आ जा रही है अभी। मैं एक बार कभी इसकी सही कर देता हूँ, जब तक वेट करते रहें प्लीज़। तो मेरी शायद आवाज़ जा रही है आपके पास, आ रही है क्या आवाज़? नीचे चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप कि ये जो गूगल इटैलिक सही हो गया। थोड़ा मैं ऐसे इधर कर देता हूँ, कोई है तो आपको दिखाता हूँ। वो ये टैलिक हो गया, मुझे लगता नहीं है ये आवाज़ आ रही है। तो ये हमारी सीएसएस पर कोई दिक्कत ब्राउज़र हमारे नॉर्मल नहीं है, सारी चीज़ें लगती हैं इसमें। देखता हूँ कि कोई है भी या नहीं, पता नहीं क्यों मेरे व्यूअर्स कोई बताएगा मेरी वीडियो को देखी नहीं, ऑडिबल हूँ या नहीं, क्यों मेरे व्यूअर्स छोड़कर जा रहे हैं मेरी वीडियो को। हेलो कोई है तो बताए वो मुझे, मैं एक बार देखता हूँ कि अभी भी सही हुआ है शायद। तो मुझे उन चीज़ों पर भी जान अरे क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं है, मैं कुछ देखता हूँ फिलहाल। अगर कोई मेरी आवाज़ आई हो तो प्लीज़ बताना, ये मेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? मैं ये इसमें कोई दिक्कत होगी शायद से, मेरी आवाज़ आ जानी चाहिए थी आ गया अभी। मैं एक बार इसकी सही कर देता हूँ, मतलब तब वेट करते रहें प्लीज़। तो मेरी शायद आवाज़ जा रही है आपके पास, आ रही है क्या आवाज़? नीचे चैट बॉक्स, चलो कोई नहीं, मैं जब तक कोशिश बता सकते हैं आप ये जो गूगल हम बात भी जा रहा हूँ अपनी गाड़ी से ही जो ठीक है। तो अब कोई है जो आवाज़ आ रही है, तो ये हमारी सी एस एस पर कोई दिक्कत होती है ब्राउज़र हमारे नॉर्मल सारी चीज़ें लगती हैं इसमें। देखता हूँ कि कोई अभी या नहीं, ठीक है। तो अभी मैं अपने टैप पर देखता हूँ, क्यों मेरे व्यूअर्स कोई बताएगा मेरी वीडियो को देखेंगे ऑडिबल हुए या नहीं। सारा नेट खत्म हो गया है, तो अभी मैं आ रहा हूँ एक मिनट में, वो मेरे व्यूअर्स को जा रहा है थोड़ी सेटिंग। हेलो कोई है तो बताए वो मुझे, मैं एक बार देखता हूँ कि अभी भी सही हुआ है शायद। तो मुझे इन चीज़ों पर क्या हो रहा है, मैसे हटा दी, चलो कोई नहीं देखता हूँ वही बताता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ आई हो तो प्लीज़ बताना, जो मेरी आवाज़ सही बताएगा मैं ये कोई शायद से मेरी आवाज़ आ जानी चाहिए थी आप अभी। शायद से आ रही है, मतलब तब वेट करते हैं तीन। तो मेरी शायद आवाज़ जा रही है आपके पास, आ रही है क्या आवाज़? तो नीचे चैट बॉक्स में वीडियो ऑन हो गई, डिस्प्ले भी ऑन हो गया। अब मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर वापस आ गया हूँ, जब तक थोड़ी देर बात दे रहे थे आप। तो अगर हमें कुछ जैसे तो ब्लॉक कोड एलिमेंट वो बताता है वो किसी और अगर हमें किसी और दोबारा दिखाना है क्या बताना है तो बता सकते हैं। एलिमेंट होता है साइड आवाज़ आ जानी चाहिए थी आपके लिए।
चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपने शॉर्ट कोटेशन पर। शॉर्ट कोटेशन में जैसे क्या होता है, अगर हमें एचटीएमएल है उसमें हम क्यू टैग लगाते हैं जिसमें हम शॉर्ट कोटेशन लगाते हैं। तो अगर क्यू टैग के अंदर कुछ भी कंटेंट लगाते हैं तो उसको डबल कोट्स, डबल कोट्स इन्वर्टेड कॉमा। तो जैसे कि स्टीव जॉब्स है, उसके अंदर हमने जो भी लिखा वो इसने कर दिया। तो ये मेरा कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क ऐसे ऐसे एडिट कर दूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लगा दूंगा वही स्टीव जॉब्स वाला, ही मुझे अच्छा लग रहा था। तो कोई तरीका, चलो एक बार एंड करते हैं उसे शॉर्ट कोटेशन पर। और ये अच्छा कोट है, बड़ा ही मैं वापस उसे प्रेजेंट कर दूंगा। अब मैं आऊँगा अपने इस पर, फिर अपने इस पर इसमें थोड़ा जूम सेट आऊँगा, फिर हम क्या करूँगा एच टू लगाऊँगा इसके अंदर, मैं लिखूँगा शॉर्ट कोटेशन। फिर मैं लिखूँगा कि मैं लिखूँगा स्टीव जॉब्स है। अब मैं क्यू टैग लगाऊँगा, फिर मैं सारा पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटाऊँगा तो आप देख सकते होंगे, देख पा रहे होंगे आप ये रहा। तो एक कुछ इन्वर्टेड कॉमा में आ गया, ठीक है। तो ये तो हमारा शॉर्ट कोटेशन। तो शॉर्ट कोटिंग करने के लिए यूज़ होता है, जैसे अगर हमें बड़ी करनी है, जैसे किसी का बहुत बड़ा कोट है, जैसे कि किसी ने बोला कुछ मैं वो लिखना है कोटिंग में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोटिंग टैग में और शॉर्ट कोटेशन में ऐसे। अगला आता है कोट टैग,
तो कोड टैग हमारा एक ऐसा टैग जिसके अंदर अगर हम कोड लिखेंगे तो वो मोनोस्पेस्ड फॉन्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा थोड़ा जावा का कोड है, मैं अगर थोड़ा पाइथन का कोड लिख कर दिखाऊँ आपको तो मैं क्या करूँगा, यहाँ H2 लगाऊँगा, H2 में मैं लिखूँगा 8, एक मिनट मुझे यहाँ 7 लगाना था, फिर 8 में मैं लिख दूँगा क्या वो कोड टैग जिसके अंदर मैं लगा दूँगा कोड। अब मैं इसमें थोड़ा जैसे ऐसे कर दूँगा, जैसे ये थोड़ा उलझे ना थोड़ा, अब मैं लगा दूँगा थोड़ा पाइथन का कोड। इसको मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा x=4y -11, इसे मैं 14 कर देता हूँ, -11 सेमीकोलन वैसे लगता है पाइथन में, z=2 ठीक है x+y। अब मैं टर दबाऊंगा और लिखूंगा प्रिंट के अंदर मैं लिखूंगा z, तो z की वैल्यू दिखा देगा। अगर हमें अगर इसे सेव कर दिखाऊंगा तो ऐसे ऐसे दिखाएगा ना, तो हमें अगली लाइन में करने के लिए br लगाना पड़ेगा। पाइथन का कोड आ गया, तो ये जो भी आता है फॉन्ट में सब और कैसे देखो कितना अच्छा लगता है, तो ये भी हमारा उसमें होता है। अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे कोड में तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आप कोड कोड में लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला है हमारा कीबोर्ड टैग, तो जो HTML होता है उसमें जो कीबोर्ड टैग होता है वो क्या करता है कि वो बताता है कि ये जो भी शॉर्टकट की है या जो भी यूज़र प्रेस करेगा तो कीबोर्ड से हो रहा है, मतलब कोई शॉर्टकट की अगर हमें प्रेस करवानी है जैसे कंट्रोल शिफ्ट टी तो फिर हम कीबोर्ड टैग यूज़ कर सकते हैं रिस्टोर करने के लिए किसी पेज को। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा न्यू टैब खोल दूँगा, मैं आ गया, अब मैंने इसे क्रॉस कर दिया, अब मैं यहाँ क्या करूँगा एक लगाऊँगा H2, उसके अंदर मैं लिखूँगा 9 के अंदर मैं लिखूँगा कीबोर्ड टैग, कीबोर्ड टैग, अब मैं क्या करूँगा की के अंदर मैं क्या करूँगा लिखूँगा प्रेस, मैं क्या करूँगा की मैं लिखूँगा कंट्रोल वापस कीबोर्ड लगा दूंगा, यहाँ लिख दूंगा, फिर जैसे आप इसमें देख सकते हैं बार, तो ऐसे ऐसे हमने लगा दिया है कीबोर्ड के अंदर लगाया, फिर कीबोर्ड के अंदर ये लगाया, फिर कीबोर्ड के अंदर ये लगाया, तो प्लस मैं लगाऊंगा नहीं, वो थोड़ा एग्जांपल मेरे गलत था, प्लस अगर मैं लगा दूंगा कीबोर्ड और फिर लगा दूंगा सारा इतना। अब मैं हम क्या करते हैं एड्रेस टैग से कि हमारी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है ऑथर की, जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कंटेंट के ऑथर की, कंटेंट के ऑथर की इन्फॉर्मेशन है, तो हम क्या करते हैं